हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल लंच रूटीन। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए और हमें कैसे क्या बनाना है। खीरे का रायता बनाने के लिए चाहिए हमें दही। मैं यहाँ पे 200 ग्राम दही का यूज कर रही हूँ। खीरा जो मैंने घिया कस करके रख लिया है, एक मीडियम साइज का खीरा लिया था। हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है जो मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियां यूज की हैं। नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। काली मिर्च और भुना हुआ जीरा। मैं यहाँ पे किसी भी एडिशनल मसाले का यूज नहीं कर रही हूँ, सिंपल चीज़ों से मैं आपको ये खीरे का रायता बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम हमारा जो दही है ना, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया है मिर्च का और लहसुन का, इसको, और साथ में डाल देंगे ये खीरा जो हमने घिया कस करके रख लिया है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कितना कम कितना ज़्यादा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च पहले ही डाल चुकी हूँ। आप काली मिर्च स्किप भी कर सकते हो, आप लाल मिर्च डाल सकते हो, या फिर आप हरी मिर्च ही खाली डालना चाहो तो सिर्फ हरी मिर्च ही डाल सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा। जीरे को मैं थोड़ा सा हाथों से, हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है। अब हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता, जिसके लिए हमें चाहिए बैंगन। मैंने यहाँ पे आधा किलो बैंगन लिया है, जिसको मैंने उबाल लिया है। आप इसको भून भी सकते हो और उबाल भी सकते हो। उसका छिलका निकाल कर मैंने उसे मैश करके रख लिया है। तड़के लगाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। प्याज, 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। 2 हरी मिर्च ली है और लहसुन लिया है, 7 से 8 कलियां लहसुन की ली है। सूखे मसालों में हमें चाहिए जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग। हम हींग डालेंगे सब्जी में। तो चलो अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैं इस सब्जी को मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इतना तेल काफी है इस सब्जी के लिए। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा 1 चम्मच और थोड़ी सी हींग। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा ब्राउन होगा, हम उसके अंदर लहसुन डाल देंगे। लहसुन को सिर्फ हम 10 से 12 सेकंड के लिए ही भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्ची। हमारी प्याज जो है वो भून चुकी है, बस हमें इनको इतना ही भूनना है, हमें इसे ज्यादा इसको नहीं भूनना। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, एकदम मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि हम इसमें पहले हरी मिर्च डाल चुके हैं। नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, आपको कितना नमक पसंद है। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हम इन सूखे मसालों को बस 30 सेकंड के लगभग हम इसको इसे पकाएंगे, क्योंकि तो फिर ये जल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और हम अपने टमाटर को ऐसे इस करछी से थोड़ा सा मैश कर देंगे। हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भून चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे बैंगन, जो हमने बैंगन उबाल के रखे थे वो। आप चाहे तो इसे बैंगन को भून भी सकते हैं, मैं भूनती नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसमें वो जला जला सा जिसके टुकड़े होते हैं ना वो आ जाते हैं, वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता बैंगन। इसलिए आप इसे कुकर में उबाल सकते हैं, 2 से 3 सीटी में ये बहुत अच्छे से उबल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम
हमारी सब्जी के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, हल्का सा। इसको अच्छे से मिला देते हैं। और हमारा जो बैंगन का भरता है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना यमी, कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का। तो अब हमारी सब्जी बन चुकी है, हमारा रायता बन चुका है, तब हम रोटी की तैयारी करते हैं। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था आधा घंटा पहले। अब आप हमारा आटा देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। आप इसके साथ रोटी, पूरी या फिर पराठे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा तवा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर रोटी डाल देते हैं। हमारी रोटी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हम देसी घी लगा देंगे इनके ऊपर। हमारी जो लंच थाली है वो बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें बैंगन का भरता, खीरे का रायता, खीरा, हरी मिर्च का अचार और रोटी इसके साथ में इसे सर्व कर रही हूँ। अगर आपको हरी मिर्च के अचार की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।